हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल फीलिंग फाइन। सो जब भी मैं अपना कोई भी ट्राई ऑन हॉल या हॉल वीडियोस डालती हूँ ना, तो एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हो कि ये जीन्स आपने कहाँ से ली है, ये जीन्स का लिंक दे दो। सो गाइज, आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाली हूँ, बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई टॉप 5 फेवरेट मोस्ट यूज एंड मोस्ट लव्ड जीन्स। सो इसमें होंगी व्हाइट कलर की भी, ब्लैक कलर की भी, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, रिप्ड जीन्स, वाइड लेग, स्ट्रेट फिट। सो दीज आर माई ट्राइड एंड टेस्टेड जीन्स विच I personally love and I'm sure you will love too. And mostly ये मैंने Amazon and Ajio से ली है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये अफोर्डेबल भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज डू, इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड ट्रूली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं ना इयररिंग्स पहनना भूल गई थी, तो मैंने अभी पहन लिए। ऑल्सो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैंने आज की वीडियो ना रिंग लाइट में बनाई है, और मैं यूजुअली वीडियोस नेचुरल लाइट में बनाती हूँ, बट आजकल ना धूप नहीं निकल रही है, तो इसलिए रिंग लाइट में बनाई है मैंने। सो आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको नेचुरल लाइट ज्यादा अच्छी लगती है या ये रिंग लाइट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज, जब भी मैं कोई जीन्स खरीदती हूँ ना, तीन चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है कम्फर्ट, अफोर्डेबिलिटी एंड ऑल्सो स्टाइल। सो जितनी भी जीन्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उन सब में ये तीनों होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहली है मेरी करंट फेवरेट और मोस्ट यूज्ड, जो अब जब भी मैं वार्डरोब खोलती हूँ ना, यही वाली निकालती हूँ, एंड दैट इज दिस वेरो मोडा स्ट्रेट फिट वाइड लेग जीन्स। सबसे पहली बात, इसका कलर गाइस मुझे बहुत ही परफेक्ट लगता है। मैं ये वाला जो लाइट ब्लू जीन्स का कलर होता है ना, ये वाला कलर गाइस मैं कब से ढूंढ रही थी, एंड फाइनली मुझे ये इसमें मिल गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज की वेरो मोडा की है, जो कि इतना अच्छा ब्रांड है, बट आजियो पे गाइस ये 800-900 रुपए की मिलती है ऑन डिस्काउंट। अभी भी मैंने चेक किया था तो 800 रुपीज समथिंग की थी, बट प्रॉब्लम इसकी ये इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है ना, बट मैं सारे लिंक्स इसे मेंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। गाइज, ये एक्चुअली वेरोमोडा की नहीं है, ये आई सीनरी बाय वेरोमोडा की है। ये आजियो एक्सक्लूसिव वेरोमोडा ब्रांड है, और ये वेरोमोडा का थोड़ा सा ना अफोर्डेबल बहन है, तो बट इसके कपड़े बहुत अच्छे और बहुत स्टाइलिश होते हैं अगर आप आजियो पे चेकआउट करोगे, बट ये मैंने सिर्फ आजियो पे ही देखा है। इसके फैब्रिक की बात करें तो ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी इसके फैब्रिक में नहीं है। अगर इसकी वेस्ट स्ट्रेचेबिलिटी की बात करें तो वेस्ट में स्लाइट स्ट्रेचेबिलिटी है, बट गाइज इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है। दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रेट फिट जीन्स, बिकॉज ऊपर से ना जो थाई एरिया है वहां से ये टाइट आती है, फिटिंग में आती है, बहुत ज्यादा फिटिंग में नहीं बट फिटिंग में आती है, और नीचे अच्छा सा स्ट्रेट हो जाती है। सो इसमें अगर आप कोई भी टॉप पहनते हो, तो आप टक इन करके भी पहन सकते हो, टक आउट करके भी पहन सकते हो, कैसी भी अच्छी लगेगी। इवन विंटर्स में अगर आप जो लो एंकल बूट्स होते हैं ना, वो पहनोगे इसके साथ, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसकी वेस्ट डेफिनेटली हाई वेस्ट आती है। फैब्रिक की बात करें तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, अंदर से भी गाइस बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत अच्छी स्ट्रेचेबिलिटी भी है, एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी है। मेरी जो टांगे हैं वो थोड़ी सी पतली है, अब तो मैंने वेट गेन कर लिया, पहले जब मैं 40 केजी थी तब तो मेरी टांगे बहुत ज्यादा पतली थी। इस जीन्स की जो फिट है, जो शेप है, वो मेरी बॉडी टाइप में बहुत अच्छी लगती है, और मेरी लेग्स पे बहुत फ्लैटरिंग लगती है। सो आई पर्सनली लव दिस वन, और अगर आपको इसमें अपना साइज मिल जाता है ना, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस। ऑल्सो गाइज, इसमें मेरा साइज था 28। ऑल्सो गाइज, वन मोर थिंग, आई हेट वेयरिंग स्किनी जीन्स नाउ। एक टाइम जब सिर्फ स्किनी जीन्स का फैशन था, तब मैं भी पहनती थी, और तब मेरी टांगे इतनी पतली थी ना, तब जीन्स बहुत गंदी लगती थी मेरे ऊपर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था। बट आई थिंक अब थैंक गॉड ये वाइड लेग स्ट्रेट फिट का फैशन आ गया है, दीज लुक्स 10 times बेटर एंड फील 10 times बेटर। सो जो नेक्स्ट जीन्स मेरी है इज माई परफेक्ट ब्लैक जीन्स, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज अ स्ट्रेट फिट ब्लैक जीन्स। सो जब ये आई थी ना, थोड़ी ज्यादा जेट ब्लैक थी, अब मैंने इसको इतनी बार पहन लिया है, धो लिया है, तो थोड़ा सा इसका कलर फेड हो गया, बट स्टिल दिस इज माय फेवरेट ब्लैक जीन्स। इसको मैं पार्टीज में भी पहन लेती हूं, मैं कैजुअली भी पहन लेती हूं, दिस इज सो कंफर्टेबल गाइस। इसमें जो मैंने साइज लिया है वो 28, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड AKA चिक। ये मैंने लिया था Amazon से। अगर इसकी वेस्ट की बात करें ना, तो इसकी वेस्ट में अच्छी खासी, मतलब आप देखो काफी स्ट्रेचेबिलिटी, सो ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है पेट से। जैसे जीन्स पहन के लगता है ना कि पेट आपका दब रहा है, ऐसे नहीं होता, बिकॉज इसकी वेस्ट बहुत स्ट्रेचेबल है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। और अगर इसकी फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक में इतनी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं, दिस इज वेरी नाइस, और काफी अच्छी खासी ये हाई वेस्ट आती है, थाई से भी लूज
लूज आती है और नीचे काफ से भी लूज आती है। बहुत अच्छा सा स्ट्रेट फिट वाइड लेग इसका फिटिंग आता है। प्राइस इसका गाइस आपको आराम से 800-900,000 की मिल जाएगी। बट एक्चुअली मैं ना ये कुछ टाइम पहले ली थी, तो आई एम नॉट श्योर अभी ये स्टॉक में होगी, अवेलेबल होगी या नहीं होगी। बट इसका कोई भी जो ऑल्टरनेटिव होगा ना, वो मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। एंड ये जो ब्रांड है AKA चिक, जिसकी मैंने ये जीन्स लिया अमेजोन से, इसकी बहुत अच्छी जीन्स होती है गाइज अमेजोन पे, ट्रेंडीएस्ट होती है और बहुत अफोर्डेबल भी होती है। सो मुझे ना रिप्ड जीन्स लेनी थी, बट मेरी मम्मी ना पहले नहीं देती है रिप्ड जीन्स। बड़ी मुश्किल से मैंने अब जाके रिप्ड जीन्स लेनी, वरना पहले जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी ना, तो बड़ा फैशन था रिप्ड जीन्स का, बट मेरी मम्मी कभी नहीं मुझे लेने देती थी। बट अब मैंने ले ली। बट ये भी जो रिप्ड है ना, ये बहुत आई थिंक मॉडर्स्ट टाइप के रिप्ड है, बहुत ज्यादा रिवीलिंग नहीं है, सो इसलिए मुझे ये पहनने में भी कंफर्टेबल लगता है। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड AKA चिक, एंड मैंने ये ली है अमेजोन से। एंड गाइज ऐसी सेम जीन्स आई थिंक जारा या H&M में भी मिलती है फॉर डबल ट्रिपल द प्राइस, एंड ये मैंने अंडर 1000 रुपीज ली थी। मतलब सारी जीन्स मैंने अंडर 1000 रुपीज ली है। सबसे पहले आई लव लव द कलर ऑफ दिस वन, बहुत अच्छा सा लाइट ब्लू है। एंड इसकी जो रिप्स है ना गाइज, वो दो रिप्स है और दोनों जो है वो नीज पे है, सो बहुत अच्छा रिप आता है इसका। इसकी फिटिंग गाइस इतनी अच्छी फिटिंग है इसकी, बिल्कुल परफेक्ट मुझे इसकी फिटिंग आई है। एंड साइज मैंने इसमें लिया था स्मॉल। अगर इसकी वेस्ट की बात करें तो इसकी वेस्ट में ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, तो यू हैव टू गेट योर परफेक्ट साइज ओनली। एंड अगर इसकी फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक में भी ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, बट अगर इसकी कंफर्ट की बात करें तो बहुत बहुत कंफर्टेबल है। सो दिस इज अ वेरी ट्रेंडी, वेरी स्टाइलिश पेयर ऑफ जीन्स, बट एट द सेम टाइम वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। पार्टीज में भी पहन सकते हो, बिकॉज इतना स्टाइलिश उसका रिप है ना, तो बहुत स्टाइलिश और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। एंड एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल लगती है गर्मियों में, बिकॉज ये जो रिप है ना, इसके अंदर से पूरी हवा जाती है, सो बहुत अच्छा और बहुत ही एयरी लगता है गर्मियों में। एंड विंटर्स में आई वुड रिकमेंड, अगर आपको ये रिप्ड जीन्स पहननी है ना, तो इसके नीचे आप स्टॉकिंग्स पहनो, बहुत स्मार्ट लगती है वो स्टॉकिंग्स। सो ओवरऑल इफ यू लुकिंग फॉर अ वेरी नाइस कंफर्टेबल पेयर ऑफ रिप्ड जीन्स, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। इसमें ये एक लाइट ब्लू कलर है ना, एक डार्क ब्लू कलर भी था इसमें, तो मैं दोनों ही आपके लिए लिंक कर दूंगी। एंड गाइस मैं जितनी भी जीन्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो अभी की रिसेंट परचेजेस नहीं है, तो हो सकता है अभी आउट ऑफ स्टॉक हो या फिर साइज आपका अवेलेबल नहीं हो। बट अगर आप लेना चाहते हो तो आप विशलिस्ट कर लेना और देखते रहना, और जब स्टॉक में आएगी तब आप ले लेना। दैट्स वॉट आई डू। ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, आई थिंक ये स्टेपल कलर्स हैं, जो अगर आपके वार्डरोब में है ना जीन्स के, तो आपका वार्डरोब कंप्लीट है। सो द नेक्स्ट वन दैट आई गॉट इज दिस व्हाइट कलर जीन्स। तो ये ना एकदम पर्ल व्हाइट नहीं है, ये थोड़ा सा क्रीमिश है, बट इसका स्टाइल और इसकी कंफर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऑल्सो जो सारी जीन्स मैंने आपको अभी तक दिखाई ना, वो प्रॉपर जीन्स मटेरियल है, वो कपड़ा जो ट्राउजर मटेरियल होता है ना, वो नहीं है। दे आर प्रॉपर गुड हैवी ड्यूटी जीन्स मटेरियल, विच ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक इन जीन्स। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सिसने, और सिसने जो है वो अमेजोन का ही ब्रांड है, आई डोंट नो, शायद अमेजोन का नहीं है, बट अमेजोन पे ही शायद मैंने देखा है वो ब्रांड। सो गाइज इसकी जीन्स भी ना बहुत अफोर्डेबल मिलती है, बहुत ट्रेंडी होती है और अच्छी कंफर्टेबल भी होती है। सो इसकी जो जीन्स का स्टाइल है ना, वो अच्छा खासा हाई वेस्ट है। दिस इज अ वेरी नाइस हाई वेस्ट पेयर ऑफ जीन्स, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट फिट वाइड लेग काइंड ऑफ जीन्स। इसकी इतनी हाई वेस्ट आती है ना, तो अगर आप टक इन करके पहनोगे तो बहुत कंफर्टेबल लगती है ये। सो समर्स में वाइड जीन्स, या इवन विंटर्स में अगर आप, जैसे मैंने ऑरेंज कलर की स्वेटर पहनी है, इसके साथ अगर आप ये पहनोगे तो कितना अच्छा पॉप ऑफ कलर आता है व्हाइट और ऑरेंज के साथ। सो पहनने में गाइस बहुत कंफर्टेबल ये फील होती है। अगर इसकी वेस्ट की बात करें तो ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है इसमें, और अगर इसकी फैब्रिक की बात करें तो उसमें भी ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है। इसमें जो मैंने साइज लिया था वो था 28, जो कि मुझे परफेक्टली फिट होता है। अगर इसमें ये जीन्स नहीं अवेलेबल होगी या मुझे नहीं दिखेगी, तो इसके जो ऑल्टरनेटिव होंगे इसी ब्रांड के, जो मुझे सिमिलर लगेंगे, वो सब मैं नीचे लिंक कर दूंगी। बट अगर आपको एक अच्छी व्हाइट कलर की, आप थोड़ी सी क्रीमिश व्हाइट कलर की, ऑफ व्हाइट कलर की जीन्स चाहिए, तो आप ये वाली ट्राई कर सकते हो। सो गाइज जो लास्ट पेयर ऑफ जीन्स है, वो अभी मैंने रिसेंटली ही ली है, तो आप देखो इसका टैग वैग सब अभी लगा हुआ है, एंड दैट इज दिस आई सीनरी बाय वेरोमोडा जीन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कलर की वजह से और इसके स्टाइल की वजह से मैंने इसको लिया है। सो ये एक्चुअली वो सेम जीन्स है जो मैंने आपको आई सीनरी बाय वेरोमोडा की दिखाई थी ना, सेम जीन्स है ये, बट इसका कलर अलग है। सो दिस इज अ डार्क ब्लू जीन्स, एंड ये डार्क ब्लू भी ना वो एकदम डार्क ब्लू वाला डार्क ब्लू नहीं है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टाइलिश वाला ये डार्क ब्लू है। ये डार्क ब्लू कलर मेरे पास नहीं था, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही फ्लैटरिंग लगता है ये वाला डार्क ब्लू कलर। सो ये कलर मेरे पास नहीं था, तो मुझे ये जीन्स लेनी थी, प्लस ये वही सेम जीन्स थी, तो इसकी फिटिंग, इसका स्टाइल, इसका कंफर्ट तो गाइस बहुत अच्छा है ही। एंड आजियो पे ना बहुत ही ज्यादा अच्छी डील पे ये मुझे मिल रही थी, आई गॉट दिस फॉर 800 रुपीज समथिंग। एंड इसमें एक्चुअली ना एक और भी डार्कर ब्लू कलर था, बट आई वेंट फॉर दिस कलर बिकॉज मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और वो डार्कर ब्लू कलर एक्चुअली मेरे पास
पास है ऑलरेडी, बट ये कलर मेरे पास नहीं था, सो आई गॉट दिस वन. इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, ऑल्सो लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड आई थिंक ये सब आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी. इसमें मैंने 28 ही लिया है, विच फिट्स मी जस्ट लाइक अ ग्लव. सो दिस हैज ऑल्सो बिकम माई रिसेंट फेवरेट जीन्स. आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू वेयर दिस अ लॉट. ऑल्सो गाइस, जितनी पहले मैंने आपको जीन्स दिखाई ना, वो सब वॉश्ड हैं. ये वाली वॉश नहीं है, बट वो सब पहले वाली वॉश्ड है एंड उनमें से किसी का भी ज्यादा कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है. सो ब्लैक वाली का डेफिनेटली हुआ है, बट उसका भी इतना ज्यादा नहीं हुआ है, बट ब्लैक ना होता है फेड. बट एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर जब भी आप कोई भी जीन्स धोते हो ना, तो उसको हमेशा उल्टा करके धोया करो, और जब सुखाते हो तो भी उल्टा करके धोया करो, और कोशिश करो वॉशिंग मशीन में मत धो, हाथ से डिप कर लो और धो लो. आपकी जीन्स का जो कलर है ना, वो लॉन्गर रन में बना रहेगा. बिकॉज आई पर्सनली फील जीन्स जो होती है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट टाइप की होती है. एक बार ले लो, बहुत सालों तक चलती है. सो अगर आप थोड़ा मेंटेन करके रखोगे तो आपकी और टाइम तक चलेगी. सो गाइस, दिस वर ऑल द पेयर ऑफ जीन्स, माय फेवरेट जीन्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सो आई होप आपके जो क्वेश्चंस थे वो अब सॉल्व हो गए होंगे. सो गाइस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा. कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. आप मेरा नाम प्रीत इंदर कौर सर्च कर लेना, मैं आपको डेफिनेटली मिल जाऊंगी, या फिर नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो. जरूर मुझे सजेशन दीजिए, बिकॉज आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए. और अभी तक अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने हुए हो, थैंक यू सो मच गाइस. जय हिंद.